हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 2, मतलब 2:15 बजे है और हम लोग निकलने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए। मेरी मासी आई है और आज है भाई दूज, तो आप सभी को मेरी तरफ से भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर यार बैठने के लिए जगह नहीं है, सारा गलाठा पड़ा है। एक्चुअली कपड़े अभी तक फोल्ड नहीं हुए हैं, सारे कपड़े वॉश करके यहाँ पर ही ला के रख दिए। क्या करूँ यार, काम इतने सारे हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा है। आज मैंने 2 वीडियो एडिट किए, 2 वीडियो अभी के अभी अपलोड किए, आपको मिल गए होंगे। तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और ऊपर से मेहमान आए हैं घर में ना, तो बच्चे इतने ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो इसीलिए मैं ऊपर आई हूँ बात करने के लिए आप लोगों के साथ। अद्विक और माही बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं उन लोगों के साथ, और मेरी मासी के बेटे मतलब उन्हीं के एज के हैं, तो इसी वजह से एक एज के मिल जाते हैं ना बच्चे, तो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, तो इसी वजह से वही हो रहा है। मेरी मासी कल ही आ गई थी, तो वो हर साल आती है यहाँ पे भाई दूज के लिए, तो पिछले साल भी आई थी। तो आप लोगों ने अगर पिछला ब्लॉग देखा होगा पिछले साल का, तो आप लोगों को पता होगा मेरा भाई भी आया था पूना वाला। तो पिछले साल के भाई दूज पे तो काफ़ी लोग थे, भाई था, भाभी थी, मासी थी और काफ़ी लोग थे। हम लोग घूमने भी गए थे, आप लोगों ने अगर पिछले साल के ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो इस तरह से पिछले साल की भाई दूज वगैरह हुई थी। इस साल अभी मासी ही आई है सिर्फ, जो बड़ी मासी के बेटे हैं ना वो नहीं आ पाए, तो वो पता नहीं अभी कब आएंगे। एक्चुअली घर पे शादी है ना भाई की, तो इसी वजह से वो लोग सोच रहे हैं कि उसी टाइम मिलेंगे हम लोग, क्योंकि सब लोग अभी बिजी हो जा रहे हैं यार, मतलब सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, तो इसी वजह से उनका भी आना नहीं होता है। देखो अद्विक का आवाज़ बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है और पटाखे तो इतने सारे फोड़ रहा है, आपको क्या बताओ। दिन में वो जो पॉपअप नहीं होते हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, पूरा घर गंदा करके रखता है वो पॉपअप के पटाखों से ना। वो लहसुन पटाखे बोलता है कोई, कोई पॉपअप बोलता है, तो वो पटाखों से क्या होता है कि पूरा घर गंदा हो जाता है, पूरे घर में रेत रेती हो जाती है, तो उसकी वजह से कितनी बार झाड़ू मारना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग निकलते हैं अभी। मैं आपसे बातें करने लगती हूँ ना, तो आपसे ही बातें करने लगती हूँ, मैं ये भूल जाती हूँ कि मुझे निकलना है। तो चलिए 2:15 बज रहा है, मतलब 2 ही बजने के लिए आए हैं, 2 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, मैं निकलती हूँ। और उधर से आने के बाद मुझे भाई दूज भी मनानी है। देखो गलाटा, देखो मतलब पूरे कर्टन्स तो अभी तक नहीं लगे हैं मेरे यहाँ के, अभी पता नहीं कब लगेंगे, जाने दो यार। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। जब लगेंगे तब लगेंगे, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे तब लगा देंगे कर्टन्स वगैरह। अभी इतनी जल्दबाजी में और मेहमानों में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनको भी टाइम देना पड़ता है, वो भी सालों के बाद आते हैं तो उनको भी टाइम देना पड़ता है। तो चलिए शॉपिंग करके आती हूँ, कुछ शॉपिंग मासी की है, कुछ शॉपिंग मेरी है, तो वो करके आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइज यहाँ पर शॉप में आ गई थी, बट शूट करना अलाउ नहीं था, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ही शूट किया। मैं साड़ी लेने आई थी, तो साड़ियाँ वगैरह ली हमने, फिर यहाँ पर क्लच देखने आई थी, तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर क्लच थे यार। मतलब मैं ये नहीं कर पा रही थी, सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी कि कौन सा क्लच लूँ, बट इसमें से मैंने लिया है, तो वो आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा कि कौन सा मैंने लिया है इसमें से क्लच। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर क्लच थे, तो ये आप देख सकते हो, ये हार्ट शेप में था और इतना सुंदर लग रहा था मुझे, बट ना इतना हीवी लेके मतलब पड़ा ही रहता है, इसी वजह से मैंने वो नहीं लिया। उधर से आने के बाद ना बिल्कुल कुछ भी शूट नहीं कर पाई, ये पहले की क्लिप है, तो जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने आपको जैसे कि कल के ब्लॉग में बताया था, मतलब दिवाली के ब्लॉग में बताया था कि मैंने काला जामुन बनाए थे, और उसकी क्लिप मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, तो ये रेसिपी उसी की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 kg का चितड़ी का पैकेट गुलाब जामुन का, मतलब रेडीमेड मिक्स लिया है। उसके बाद मैंने ग्रीन कलर लिया है, फूड कलर, उसमें पानी ऐड किया है, और उसमें ना मतलब पानी से ही मैं ये भिगोती हूँ, कोई दूध वगैरह से नहीं भिगोती हूँ। और पानी से अच्छे से गूंद लेना है आटे को आपको, और थोड़ा सा ग्रीन कलर ज़्यादा चाहिए था उसमें, तो मैंने ऐड कर दिया और उससे गूंद लिया। मतलब डायरेक्ट आपको कलर ऐड नहीं करना है, उसमें पानी में मिक्स करके उसे ऐड करना है, और वही पानी से आपको इसको गूंद लेना है अच्छे से, थोड़ा सा मसल लेना है इसे, उसके बाद इसे सॉफ्ट कर लेना है आपको इस आटे को, और उसके बाद आपको लोइया बनानी है। आप चाहो तो गोल भी बना सकते हो, आप चाहो तो रेक्टेंगल शेप भी दे सकते हो उसे। तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा लंबा लंबा बनाया और उसके बाद उसे फ्राई किया। तो फ्राई करने के लिए आपको एक ट्रिक है, थोड़ा सा पहले ना इसको मसल लेना है, ज़्यादा मसलोगे तभी आपका गुलाब जामुन अच्छा बनेगा। ये मैं यहाँ पर काला जामुन बना रही हूँ, तो काला जामुन बनाओ या गुलाब जामुन बनाओ आपके ऊपर डिपेंड है।
आप जितना ज़्यादा आटे को मसलोगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा गुलाब जामुन आपका बनेगा, गुलाब जामुन या काला जामुन। उसके बाद जब आप फ्राई करने लगते हो ना तो आपको लो या मीडियम फ्लेम पे ही ये ऑयल जो है वो रखना है, नहीं तो अगर आप हाई फ्लेम पे रखोगे तो ये ऊपर से पक जाएगा अंदर से कच्चा रहेगा। तो इसी वजह से आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है और अच्छे से फ्राई करने के लिए टाइम देना है, मतलब वो ऊपर से थोड़ा सा ब्लैकिश उसका कलर आ जाए, मतलब डार्क ब्राउन जो बोलते हैं ना कलर वो आ जाए, और ग्रीन कलर मिक्स करने की वजह से ना उसमें कलर जो है वो थोड़ा सा ब्लैकिश आएगा तो अच्छा दिखेगा। और आप इसमें ना ऑरेंज कलर या क्या बोलते हैं रेड कलर भी मिक्स कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मैं तो ज़्यादातर ग्रीन कलर ही मिक्स करती हूँ, कभी कभी रेड कलर भी मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़े से डार्क ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर मैंने चाशनी बनाने के लिए रख दी। चाशनी बनाने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना आप पानी ले रहे हो उतनी आपको चीनी उसमें मिक्स करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 ग्लास पानी लिया था तो 4 ग्लास आपको चीनी मिक्स करनी है। एक पाव में 2 ग्लास पानी लगेगा, 2 ग्लास चीनी लगेगी, तो ऐसे करके आपकी चाशनी बनेगी। और आधा घंटे तक उसको पका लेना है, 20 मिनट भी पका सकते हो, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब आप उसमें गुलाब जामुन ऐड कर सकते हो। और फ्राई करते ही उसमें ऐड कर देना ताकि उसमें वो सोक कर पाए अच्छे से। सोक करने के बाद निकाल लेना, उसके बाद उस पर नारियल क्रश जो है वो स्प्रिंकल कर देना, और बहुत अच्छा टेस्ट में भी बनता है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। शेप आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। और हाँ, मैं ये बताना भूल गई कि चाशनी बनाने के टाइम ना थोड़ा सा इलायची पाउडर उसमें ऐड करना ताकि उसका टेस्ट बढ़ जाए। इलायची पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इलायची पाउडर ऐड करना मत भूलिएगा। कैसे लगी गुलाब जामुन रेसिपी ज़रूर बताना मुझे। उसके बाद यहाँ पर ये पर्दे लगाना बाकी था, और हर रूम के पर्दे लगाना बाकी है, बट यहाँ पर इन्होंने लिविंग रूम के ही पर्दे लगा दिए थे, थोड़ा सा टाइम था तो लिविंग रूम के पर्दे लगा दिए थे। यहाँ पर इन्होंने ये कारपेट भी लगा दिया था, उस कारपेट पे बहुत ज़्यादा धूल जम गई थी ना, क्योंकि कारपेट काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा था और घर पर काम के चलते धूल बहुत ज़्यादा उस पर चढ़ गई थी, तो इसी वजह से वो धूल निकालनी पड़ी वैक्यूम क्लीनर से। अच्छे से उसकी धूल निकाली, उसके बाद वो बिछाया, उसके बाद ये कर्टन्स वॉश करके रखे थे तो कर्टन्स लगाने का टाइम ही नहीं मिला था तो कर्टन्स भी लगा दिए थे। आप समझ सकते हो यार, इतना सारा काम था दिवाली के टाइम तक वो कंप्लीट करना था, बहुत ज़्यादा हमें मेहनत लगी, मतलब रात दिन एक करके हमें क्लीनिंग करनी पड़ी, और रात दिन एक करके हमने क्लीनिंग की, उसके बाद दिवाली अच्छे से मनाई, तो बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, उसके बाद बहुत सारे काम भी बचे थे। तो जो काम ज़रूरी थे वो काम किए हम लोगों ने, जो काम थोड़े से बाद में भी कर सकते थे ऐसे काम जो थे तो वो हम लोगों ने बाद में किए। तो मतलब जैसे कि क्लीनिंग वगैरह है तो हम लोगों ने पहले की, तो उससे ही थोड़ा सा दिवाली में रौनक आ जाती है। ये पर्दे वर्दे तो वो बाद में भी लगा सकते हैं, और हम दो ही लोग काम करने वाले थे और हम दोनों कितना करेंगे। माही थोड़ा सा हेल्प कर रही थी बट वो भी कितना करेंगे, जितना हमसे पॉसिबल हो पाया उस दिन उतना हमने किया। उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा अभी कर रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए भी टाइम मिल गया हमें। एक्चुअली मैंने कुछ होम डेकोर के लिए आइटम्स ऑर्डर किए थे और कुछ उसमें से मुझे रिसीव भी हो गए थे दिवाली के दिन, मैंने आपके साथ शेयर किए, और कुछ रिसीव होने के बाकी थे, कुछ हो गए थे तो वो लगाना बाकी था, वो जो आपके साथ शेयर नहीं किए थे तो मैंने सोचा चलो आपके साथ आज शेयर कर देती हूँ क्योंकि आज टाइम मिला है मुझे और वो मैं ओपन करने ही वाली हूँ। इनको बोला है मैंने ओपन करने के लिए तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ कि कौन कौन से आइटम है जो मैंने ऑर्डर किए थे। और हाँ, ये जो मैंने सारे आइटम ऑर्डर किए हैं वो ना मैंने बुलबुल ऐप से ऑर्डर किए हैं। इस ऐप पे ना आपको सारे प्रोडक्ट्स के वीडियोस देखने के लिए मिल जाते हैं, उससे ना आपको आसानी मिल जाती है प्रोडक्ट्स को चूज़ करने में। वीडियो देख के उसी टाइम आपको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट आपके पास कैसा आने वाला है। आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोडक्ट आपके पास आने के बाद आपको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको वीडियो में ही देखने के लिए मिल जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या क्वालिटी है उस, और आपको रिसीव होने के बाद प्रोडक्ट कैसे दिखने वाला है। यार बहुत सुंदर आया है ये, बाप रे, कहाँ पे लगा है ये दिखाओ, ऐसे मतलब इस साइड से। वाह, ये कैंडल होल्डर दिया है इसमें, और ये वाला कुछ इस तरह से गोल्डन का, और हेवी भी है ना, बहुत अच्छा है यार। ये पूरा क्या बोलते हैं गोल्डन तार से बनाया हुआ है और अच्छा खासा हेवी है यार, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी, बहुत सुंदर है। और ये रख दीजिए, अभी ये वाला ओपन करो, दो मिले ना इसमें ये कैंडल, दो मिले हैं, ये इसमें मिला था। हाँ हाँ रख दो इसमें,
अभी वो कहाँ पर लगाना है हम डिसाइड करेंगे। और इसमें ये छोटा सा ये वाला दिखाना, ये वाली लाइटिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये वाली आप मतलब डोर पे भी हैंग कर सकते हो। दिखाओ एक मिनट, यहाँ पे तो प्लग ही नहीं है, यहाँ का प्लग हम लोगों ने निकाल दिया। यहाँ पे नहीं, इलेक्ट्रिशियन भी नहीं आया है हमारे और ना कारपेंटर आया है। ये देखिए इस तरह से, ये ना आप डोर पे जैसे कि वो जो नहीं लगाते हैं क्या बोलते हैं उसे, तोरण, तोरण तोरण की जगह पे इसे लगा सकते हो आप। बहुत सुंदर लग रहा है, कॉल है ये कुछ इस तरह से, इतनी बड़ी आती है। दिखा दो, या आप यहाँ पर डोर पे ऐसे तोरण जैसे लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो आप वैसे, बैकग्राउंड में या ऐसे आप डोर पे लगा सकते हो। ये काफ़ी बड़ी आती है ना, दिखाओ, अच्छी खासी बड़ी है यार ये। सिर्फ लगा के दिखा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से लगेगी, बहुत सुंदर लगती है। अद्वी खाए बोल दो, चकली चक्री है, रॉकेट भी है। मैंने सोचा चकली चकली तो आपने बहुत सारी खाई ना इस बार। हाँ इसमें ना मैंने दो तरह के मतलब एक जैसे ही दो लैंप ऑर्डर किए थे, तो ये दो लैंप मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये ओपन करके दिखाएंगे आपको किस तरह से ग्लास के है वो देखना। वाओ ये भी बहुत सुंदर आया है यार, क्वालिटी बहुत सुंदर है, जैसे दिखी वहां पे वैसे ही मिली है क्वालिटी, बहुत ही सुंदर है। दिखाओ एक मिनट, देखिए पूरी कारागिरी जैसी दिखाई थी वहां पे वैसी ही मिली है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये, वाओ। इसी तरह से इसमें भी ऑर्डर किया है, सेम है, दो ऑर्डर किए थे मैंने, दो मतलब बेड के साइड टेबल पे रखने के लिए। इसमें इस तरह से बल्ब लगाना पड़ता है, और ये लगा के दिखाएंगे आपको कि किस तरह से लगेगा ये। ये देखो लाइट जलाने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है, वाओ यार बहुत सुंदर है। इसके अंदर आप वार्म लाइट भी लगा सकते हो, व्हाइट लाइट भी लगा सकते हो, मुझे तो लगता है इसमें वार्म लाइट अच्छा लगेगा, है ना। वार्म लाइट बहुत सुंदर लगने वाला है इसमें। चलो अभी दूसरा दिखा दो, ये एक छोटा वाला झूमर मैंने ऑर्डर किया था, ऐसा ही एक मेरे पास पहले भी था, बट मैंने ये दूसरा ऑर्डर किया है किसी और जगह पर लगाने के लिए। ये जब इंस्टॉल करेंगे इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, बट आप अभी देख लीजिए बहुत सुंदर है ये भी। वाओ इसके अंदर ये आएगा, मतलब इसके अंदर एक लाइट आएगा। ये जो है ना ये इसके अंदर लगाना है, फिर हाँ उसके अंदर वार्म लाइट या वाइट लाइट लगा सकते हैं हम लोग। ये इस तरह से प्लेट्स में, ये इस तरह से तीन वायर लगेंगे ये वाले प्लेट में, और उसके बाद ये तीन जो क्या बोलते हैं इसके इसके से जैसे लैंप है, देखना इसके अंदर लाइट लगेगा ना। हाँ ये इस तरह से हैंग होगा, देखना हाँ इस तरह से लगेगा ये।
तो ये हैंग होने के बाद तो आपको दिखाई दूंगी, बट अभी देख लीजिए आप। तो ये मैंने एटम परचेस किए थे, तो ये मुझे रिसीव हो गए हैं आज इतने, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये सारे आइटम आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अगर इसे परचेस करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, मतलब इसका आपको सेपरेट लिंक नहीं मिलेगा। मेरा बुलबुल पे एक स्टोर है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे आप अगर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको मेरे स्टोर का लिंक मिल जाएगा। सारे प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे मुझे दिखे थे वहाँ पे वैसे ही मुझे रिसीव हुए हैं, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इसकी क्वालिटी से हैप्पी हूँ। आपको भी अच्छे ही लगे होंगे, और लेना है तो लिंक तो मैंने दे ही दिया है आपको, वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं आपके लिए, मतलब टूर्स आने वाले हैं, होम टूर आने वाला है, किचन टूर आने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। भाई की शादी है, भाई की शादी के ब्लॉग भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे पहले आप लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, लाइक कर दीजिए। अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।